हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप ऑल आर यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बेसिकली मैं आया हूँ अभी मापसा में। मापसा से मैंने दिन शुरुआत किया है, जो अभी है मापसा कोर्ट के बाहर। एक्चुअली मेरे पीछे आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो बिल्डिंग है वो मापसा कोर्ट है। नॉर्थ गोवा में आता है ये एंड तालुका बारडेज। तो ये है, चलो आज का दिन शुरू करते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ मापसा बस स्टैंड, फिर उसके बाद ले चलता हूँ आपको चापोरा फोर्ट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ एक्चुअली मापसा बस स्टैंड पे। यहाँ पे बस के टिकट्स आपको बुकिंग वगैरह किया जाता है, यहाँ पे बसेस रुकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो बसेस ऑलरेडी रुके हुए हैं। दिस इज़ द बस स्टैंड, मापसा बस स्टैंड। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स एक्सप्लोर चापोरा फोर्ट एंड ऑल्सो नोन एज शापोरा फोर्ट। पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग भी किया गया है अच्छे से, टू व्हीलर्स का फोर व्हीलर्स का अच्छे से पार्किंग है। अलग अलग जगह पे पार्किंग किया गया है गाइस, यहाँ दोनों साइड में पार्किंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा मिनी मार्केट है जहाँ पे फोर्ट का स्टेयर के स्टार्ट होता है। उसके पहले 200 टू 300 मीटर्स तक अच्छा खासा आप टूरिस्ट अट्रैक्शन मार्केट है। छोटा छोटा चीज़ ले सकते हैं, शोपीस है, टी शर्ट्स है, स्कार्फ है, एवरीथिंग लाइक कैप्स, हैट्स, एवरीथिंग यू कैन, एसेसरीज है लेडीज़ के लिए। एंड देन नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्ट नाउ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रेड स्टोन काफ़ी यूज़ किया है, रेड स्टोन का ही फोर्ट है। गोवा में ज़्यादातर यही दिखेगा आपको, मेजॉरिटी फोर्ट्स रेड ही है। आई गेस ईच एंड एवरी फोर्ट इज मेड ऑफ दिस रेड स्टोन। Nice quote, it's mentioned here, not all superheroes wear capes. Some help in keeping a peace clean. So friends, this is it. This is Shapura Fort. आई गेस ये प्राइवेट वालों को इधर परमिशन नहीं देना चाहिए। लाइक फोर्ट है और ये भाई साहब फोर्ट के अंदर आके बिजनेस कर रहे हैं। आई डिडंट लाइक दिस। फोर्ट के बाहर जो करना है करो। दिस इज दैट स्पॉट, दिल जाता है। Amazing view, isn't it? और नीचे तो बीच दिख रहा है, वो भी चापोरा बीच है। चापोरा बीच के वहाँ पे जेट्टी सर्विस भी है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 25 मिनट्स वेट करने के बाद, बिकॉज यहाँ पे आजू बाजू में बहुत केओस था, लोग आवाज़ कर रहे थे, लोग म्यूज़िक बजा रहे थे, ऐसे शांत एरिया में आने के बावजूद उन लोग को म्यूज़िक चाहिए। एनीवेज, अपन बात करते हैं आज अभी शापोरा फोर्ट के बारे में। शापोरा, जिसका नाम दो तरीके से लिया जाता है, एक शापोरा और एक चापोरा। तो शापोरा ये मुस्लिम रूलर जो अपने आदिल शाह थे उनके नाम के ऊपर से शापोरा
नाम गिरा था, और उसके बाद जब पोर्चुगीज ने ये कैप्चर किया फोर्ट, तो चापोरा फोर्ट हो गया था। तो ये फोर्ट लोकेटेड है वागाटोर में, जो कि अरेबियन सी के पास में, और ये फोर्ट का एक्चुअल लोकेशन जो है वो बारडेज गोवा में आता है। बारडेज ये तालुका है नॉर्थ गोवा में, वहाँ पे ये फोर्ट लोकेटेड है। सो आइए कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये फोर्ट एक्चुअली 1617 में बना गया था, ऑलमोस्ट 403 इयर्स बैक। यस, 403 साल पुराना ये फोर्ट है। तो ये फोर्ट ने काफ़ी लोगों ने कैप्चर किया है बाय द वे। एक्चुअली बना गया था आदिल शाह ने, आदिल शाह के बाद पोर्चुगीज़ के अंडर ऐसे चला गया, जय लाइक पोर्चुगीज़ ने बारडेज को के ऊपर कब्जा कर लिया। सो बेसिकली ये फोर्ट आदिल शाह के बाद पोर्चुगीज़ ने टेक ओवर कर लिया था। पोर्चुगीज़ ने टेक ओवर करने के बाद में हमारे सावंतवाड़ी के जो राजा साहब थे भोसले, उन्होंने 1739 को ये फोर्ट कैप्चर किया था, बट उनके अंडर ये फोर्ट सिर्फ 2 साल तक रहा था, 1741 तक, दैट्स इट। उसके बाद क्या है ना कि जब ये फोर्ट वापस पोर्चुगीज़ ने कैप्चर किया, तो उन्होंने ये जो नॉर्थ साइड का जो फोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया, सो दैट बेस कैंप उनका स्ट्रॉन्ग बन जाए, और यहाँ से आगे महाराष्ट्र है, तो मराठा एम्पायर यहाँ पे आके पोर्चुगीज़ पे अटैक करने के टाइम पे उन्होंने मतलब ये फोर्ट स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो सावंतवाड़ी बहुत नज़दीक है, तो सावंतवाड़ी और गोवा का काफ़ी अच्छा हिस्ट्री है। और ये फोर्ट की मरम्मत, लाइक पोर्चुगीज़ ने ये फोर्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया 1717 में। और फाइनली दोस्तों एक ऐसा दिन आया कि पोर्चुगीज़, साउंड देख रहे हो आप, सुन रहे हो, काफ़ी अच्छे बर्ड्स यहाँ पे खेल रहे, नाइस साउंड, ये साउंड हमको चाहिए एक्चुअली। ऐसे जगहों पर आते हैं तो हम लोगों को नेचुरल जो बर्ड्स एनिमल्स उसके साउंड है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम यहाँ पे अपने म्यूज़िक अपना तमाशा बना रखे, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसे जगह पे आके इस वास्तु की हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा है, कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए, ज़रूरी है बहुत, बट ये नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली गाइस। यस, बट क्या करें। एनीवेज गाइस, एक ऐसा दिन भी आया था लाइक पोर्चुगीज़ को ये पूरा का पूरा किला खाली करना पड़ा था 1892 में। यस, 1892 में ये फोर्ट खाली करना पड़ा था, पूरा अबेंडन हो गया था, एंड गोवा बॉर्डर मूव्ड टू नॉर्थ वेस्ट। सो उसके बाद ये फोर्ट की मिलिट्री सिग्निफिकेंस जो थी वो वहीं पे समाप्त हो गई। तो 1892 तक ये फोर्ट की हिस्ट्री थी, उसके बाद ये फोर्ट खाली पड़ा है 1892 के बाद। आप गिन लीजिए 128 ईयर से इसको कुछ किया नहीं गया। तो ये फोर्ट का आर्किटेक्चर के बारे में आपको बता दूं, मैंने आपको वहाँ से पूरा व्यू बताया, तो फोर्ट को चारों तरफ से एक स्लोप है। ये फोर्ट है ना, चढ़ने के टाइम पे अगर आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ से अगर कोई दुश्मन आता है इजीली अटैक किया जा सकता है। तो ये फोर्ट का आर्किटेक्चर ऐसे किया था कि सब जगह से वो अटैक कर सके और फोर्ट को सुरक्षा कर सकते। सो बेसिकली ये पे चारों तरफ पे जो स्लोप है डिफेंडिंग डिपेंड करता था, डिफेंस इजीली हो सकता था, लाइक दुश्मन चारों तरफ से आ रहे हैं तो उनको ऊपर आने में टाइम लगेगा, और गोला बारूद ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल से आता है, तो फिर ऊपर से अटैक करने में बहुत इजी पड़ता है। इसके लिए चारों तरफ यहाँ पे सुरक्षा के लिए ये फोर्ट थोड़ा हाइट पे बंधा गया था। तो बस इतनी सी थी ये छोटी सी हिस्ट्री, छोटी सी कहानी शाहपुरा फोर्ट की और चापोरा फोर्ट की। अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज़ चापोरा फोर्ट, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रूलर आदिल शाह शाहपुरा। सो गाइस, और एक बात, सही कहा है आमिर साहब ने, साल में एक बार यहाँ पे आना ज़रूरी है, बहुत पीसफुल लग रहा है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे एक घंटा स्पेंड किया और मुझे बहुत सुकून लग रहा है सीरियसली। इतनी धूप होकर भी पानी का बॉटल मैं भूल गया लाने के लिए, बट फिर भी ये प्लेस से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, सो पीसफुल ओवर हियर, दो द सन इज़ ऑन द टॉप। आई डोंट वॉन्ट टू मिस दिस मोमेंट यार, आई एम कैप्चरिंग दिस जस्ट फॉर माई फ्यूचर। व्हेनेवर आई एम फीलिंग इमोशनल अबाउट द गोवा, आई विल डेफिनेटली वॉच दिस व्लॉग। सही कहा दोस्तों, दिल चाहता है यहाँ पर गोवा में इस जगह पर शाहपुरा फोर्ट में आना बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार तो बनता है, साल नहीं तो 3 साल में एक बार तो बनता ही है।
गाइस यहाँ पे गार्बेज डंप है, बट एक्चुअली ये दिखने में गंदा दिख रहा है, बट वी शुड नॉट कम टू द कंक्लूजन बिकॉज ये शायद से एक ही जगह पे गंदगी है। फोर्ट के अंदर कुछ भी गंदगी नहीं है, बहुत साफ है। हार्डली एक दो फ्रूटी के पैकेट्स देखे मैंने, अदरवाइज इट्स सो क्लीन। एंड आउटसाइड दिस फोर्ट देयर इज द गार्बेज। आई थिंक दिस इज दिस सपोज टू बी क्लीन, बट अभी जो यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो व्हीकल आता रहेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, डेली आता है या ऑल्टरनेट डेज आता है या वीकली आता है, बट वी शुड नॉट ऑलवेज कम टू द कंक्लूजन दैट ये गंदगी यहाँ पर है, तो हम अपने कोई भी फाइनल थिंकिंग पे नहीं आना चाहिए। लाइक आई एम नॉट श्योर दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड, बट मेरा काम था बताना। सो ऑलवेज बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स है सिंपथी के लिए ये गंदगी बता देते, बट नो दैट इज नॉट राइट थिंग। एक्चुअली ये फोर्ट के बाहर है, तो आई एम लिटिल कंसर्न टू नो वेदर दिस इज गेटिंग क्लीनड और नॉट। और ज़्यादा यहाँ वहाँ पे बिखरा नहीं है, अरेंज करके रखा है, लाइक एक जगह पे ठीक से रख दिया गया है वो गार्बेज। प्लास्टिक ज़्यादा है गाइस, प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आज पानी नहीं लिया है, तो मुझे बाहर से पानी खरीदना पड़ेगा। मेरा जो बैग है हाइड्रेटर बैग, मैं भूल गया आज निकलते समय घर से, बट यस मैं पानी खरीदूंगा भी, और वो प्लास्टिक प्रॉपर जो सोर्स है वहाँ पे मैं डंप करूँगा उसको। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल वॉन्डर अरेजिंग केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। शीघ्र मुलाकात होगी, अलविदा दोस्तों, बाय बाय। सो बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग विथ प्लास्टिक बॉटल। एक्चुअली आई फॉरगॉट माई हाइड्रापैक बैग एट होम। सो बेसिकली ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ख़रीदा है प्लास्टिक, बिकॉज डिहाइड्रेट होने के बहुत सारे चांसेस है, तो मैंने आगे पीछे देखा नहीं, मैंने पानी ख़रीद लिया। और ये मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे रिसाइकल, जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं ये डंप करने वाला हूँ, जहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे डंप करना होता है वहाँ पे मैं डंप करने वाला हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग विथ प्लास्टिक बॉटल। मुझे ये पसंद नहीं है एक्चुअली, आई सीरियसली डोंट लाइक टू बाय वाटर फ्रॉम आउटसाइड। घर का टैप हो या होटल में रुके हो तो होटल में जहाँ पे रहता है पानी का सुविधा रहता है, जग में से ला के देते हैं, उधर से ही मैं हाइड्रापैक मेरा भर देता हूँ। बट बेसिकली अनफॉर्चुनेटली आज मैंने नहीं लाया, एंड आई एम वेरी डिहाइड्रेटेड सर राइट नाउ।